तो हमारी राबिया जो है ना, जरा ठहराव नहीं है इसकी तबीयत में, और पिछले कुछ हफ्तों से तो अजीब सा रवैया हो गया था इसका। अब पता नहीं वहां जाकर क्या करेगी। हमें अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। और वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। खाला ने अरसाम की खुशी पूरी की और हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। कैसी खुशी मनाहिल, कैसी खुशी! ये तबाही के आसार हैं। जीना मुश्किल हो जाएगा मेरा इस घर में, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम कौन सी बहुत बड़ी तीस मार खानो? जो मैंने नहीं करके दिखाया तुम करके दिखा दो। वही तो करने वाली हूँ मैं। इस हफ्ते अरहाम और मनाहिल की बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। कहाँ थी तुम? फायजा के पास गई थी ये लेने के लिए। तुम्हें तो ख्याल ही नहीं है मेरा, बीवी की तबीयत खराब है और तुम कहीं और चले गए। राबिया, ऐसा नहीं है, तुमसे डॉक्टर का ही कहने आया था। राबिया चलो डॉक्टर के पास चले। अरसाम, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं मेडिसिन ले लूंगी, कुछ देर रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। अम्मी तुम्हें याद कर रही थी राबिया, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, तुम्हारी पढ़ाई वगैरह, फिर घर की जिम्मेदारियां। तुम सुन रही हो ना? एक्चुअली वो चाह रही थी कि तुम भी घर की जिम्मेदारियां संभाल लो। वो फैजा भाभी पे बहुत प्रेशर है ना इसलिए, और फिर मनाहिल भाभी को इस वक्त सख्त आराम की जरूरत है, वो ज्यादा काम नहीं कर सकती। तो मैं सोच रहा था कि राबिया, हाँ बोलो मनाहिल। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। खाना खा लिया आपने? नहीं, भूख नहीं। अच्छा, टाइम निकाल के ज़रूर खा लीजिएगा, इस तरह ज़्यादा देर तक भूखे रहना अच्छा नहीं है। मैं रखता हूँ। ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। ओके। राबिया तुम यहाँ? ये सच है या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? ये सच है। न जाने सूरज आज कहाँ से निकला है, तुम एक के बाद एक सरप्राइज देती जा रही। मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट। मेरे लिए? कुछ दिन पहले ये बालियां देखी, इनको देखते ही मुझे तुम्हारा ख्याल आया। आ जाए। तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बैठू, मैं बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। हाँ अच्छा किया, मेरे पास भी कुछ खास करने को नहीं है बोर होने के अलावा। मैं काफी दिन से शॉपिंग नहीं गई, तुम्हारा मूड है तो चले। मूड का क्या है, वो तो अभी बन जाएगा, लेकिन मैं सारी चीजें अरहाम की पसंद से लेती हूँ, और अगर उनके बगैर चली गई तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ, तुम लव बर्ड्स को तो मौका चाहिए बस।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं इतने दिनों से मार्केट नहीं गई, तुम्हारा वार्डरोब देख लूं, आइडिया हो जाएगा। हाँ हाँ श्योर। ये तो बहुत प्यारे कपड़े हैं, कलर कॉम्बिनेशन और डिजाइनर बहुत अच्छा है, मैं भी उससे बनवाऊंगी। ये सब अरहाम की पसंद है। आप भी तो उन्हीं की पसंद है ना भाभी, शादी के बाद तो स्टाइल ही चेंज हो गया है। तुम्हें तुम कहती हूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? वो क्या है कि तुम्हारा रिश्ता इतना बड़ा है, मैं तो मेरी जबान पे नहीं चढ़ता। नहीं मुझे कोई मसला नहीं, बस जो भी बोलो प्यार से बोलो। थैंक्स यार मनाल, सच में बहुत अच्छी है। तुम भी बहुत अच्छी हो। ये देखो ना यार, अच्छा ये भी है ना, मम्मी को मैंने कहा यही बनवा के दो मुझे। क्या हो रहा है, तबीयत ठीक हो गई क्या? I feel much better. और साम तुम बहुत अच्छे हो। अम्मी के घर हो आए? हाँ अम्मी के पास चल तो सकते हैं, लेकिन अम्मी से इजाजत लेनी होगी। मैं मुमानी से इजाजत लेकर आ जाती हूँ। तुम जाओगी? Are you sure? इसमें शोर होने वाली कौन सी बात है? नहीं वो अच्छा ठीक है, जाओ पूछ लो। वैसे ही मुमानी ने मुझे बुलाया था, एक साथ दो काम हो जाएंगे। अच्छा सही, जाओ हुआ। मुमानी मैं बैठ जाऊं? हाँ आ जाओ बैठो। वैसे तो तुम ठीक ही नजर आ रही हो, लेकिन फिर भी तबीयत कैसी है मुमानी? काफी बेहतर है, बस सब कुछ अचानक से हो गया और मैं ज्यादा सोचने लगी थी तो सर में दर्द हो गया। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। चलो अच्छी बात है, पढ़ाई अच्छी चल रही है, मगर ये भी याद रखना कि साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियाँ और रस्म रिवाज का बोझ भी उठाना पड़ेगा। जी फायजा समझा चुकी है मुझे, आप फिक्र मत करें मुमानी, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाऊंगी। बेहतर। वो मुमानी मुझे आपसे इजाजत लेनी थी। कहो। आपने जो कुछ भी मेरे और अरसाम के लिए किया है मुझे तो नामुमकिन सी बात लगने लगी थी, ये मैं तो उसको जवाब भी दे चुकी थी, लेकिन आपने सब कुछ ठीक कर दिया, मैं आपका जितना शुक्रिया करूँ कम है। बहुत बदल गई हो तुम, बहुत अच्छी बातें करने लगी, बड़ा एतमाद आ गया तुम्हें। मैंने अरसाम से जो कहा वो तुम्हें भी कहूंगी। देखो मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, लेकिन होता है कभी इंसान को सख्त फैसले भी करने पड़ जाते हैं। भाई मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम लोग खुश रहो, ताकि इस घर का सुकून और अमन बना रहे। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। अच्छा मैं चलूं, मुझे एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है। अब एक एक करके सारी उम्मीदें सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं, लेकिन आपकी नहीं मेरी। मुमानी ने इजाजत दे दी। सच? उन्होंने कहा चले जाओ। That's fantastic. Let's go. पहले होलिया दुरुस्त कर लो। असलम मैंने पूछना था कि आप घर कब तक आ रहे हैं? पता नहीं कुछ देर हो जाएगी। अच्छा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने चाहिए? एक लाख। एक लाख? क्या करोगी इतने पैसों में? अब देखिए ना अरसाम और राबिया की शादी कितनी सादगी से हुई है, अब उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट तो देना होगा ना। हाँ ये तो अच्छी बात है, फायदा सबको अपनानी चाहिए, लेकिन तुम ये इतना महंगा गिफ्ट क्यों देना चाहती?
गिफ्ट तो 10-20 हजार का आ जाएगा, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत। मेरी बात सुने, राबिया मेरी बहन है और अरसाम आपका भाई। अब कोई ऐरे गहरे तो है नहीं कि सस्ती सी चीज लेके निपटा दूं। और मुझे कोई ज्यादा बहस नहीं करनी, आप आते हुए पैसे लेकर आइएगा बस। फायजा यकीन मानो इतने नहीं होंगे, 20-25 हजार तक कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो अपनी तरफ से दे दें, अगर इतने ही है तो अपने पास रखिए, मैं 1 लाख से कम नहीं लूंगी। फायजा प्लीज, कंपनी के हालात पहले ही बहुत खराब। हाँ तो अपने पास से लेते आइएगा, अब इतने पैसों से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज किसी को बताना नहीं। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा, फिर मार्केट भी तो जाना होगा ना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए आइए, आप ही का कमरा है। इस कमरे से इतनी हंसने की आवाजें आ रही थी, मुझे लगा मैं गलती से किसी और के घर में तो नहीं आ गया। देख लीजिए भाभी, अभी से दूसरे घर के चक्कर में। जब हस्बैंड और वाइफ को भी प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों मिर्चे लग रही हैं? भाभी मैं तो आपके भले की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे इन पर पूरा यकीन है, ये कहीं नहीं जाएंगे। ओह रियली? वैसे एक बात तो है, आपसे कोई दूर रह भी नहीं सकता। मैं चेंज करके आता हूँ। श्योर भाई, तब तक मैं भाभी का ख्याल रखती हूँ। यू आर डूइंग गुड जॉब। आई नो, बिकॉज़ आई एम द बेस्ट। एक्सक्यूज मी, मैं तो मनाहिल से बात कर रहा था। अरसाम चले? अभी से क्यों? पप्पो खास हमारे लिए खाना बना रही। नहीं अरसाम, खाना हम फिर कभी खा लेंगे। मैं मेहमानी को 8 बजे का बोल कर आई हूँ, अगर देर होगी तो तुम्हें पता है प्रॉब्लम होगी। सही कह रही हो, फिर एक काम करते हैं कि पप्पो से मिलकर चलते। ठीक है, तुम यही रुको, मैं उनको बुला के लेकर आती। बस जरा सा इंतजार कर लो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। नहीं अम्मी, हमें बस चलना होगा। क्या कर रही हो राधिका, खाना खा के तो जाओ। मैं, आपको पता है अगर हम लेट हो गए तो क्या होगा, वैसे मैं मेहमानी को प्रॉमिस कर चुकी हूँ। बेटा तुम कौन सा रोज दो जाती हो। अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं फतापा को फोन करके बता देती हूँ कि तुम लोग खाना खा के फौरन आ जाओगे। नहीं नहीं, वैसे हमारी शादी में इतनी रुकावटें हुई थी, मैं नहीं चाहती कि मेहमानी को एक और मौका मिल जाए। चलो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम्हें अब अपने घर की फिक्र होने लगी है। अच्छा कुछ पैक कर। नहीं अच्छा नहीं लगता। बेटा तुम क्या करती हो, चलो फिर मुझे अरसाम से भी मिला दो भैया। चलें चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पैसे लाए हैं आप? हाँ। पूरे हैं ना? हाँ, ना हो तो जान ले लेना। वो तो पहले से ही मेरे पास है। अच्छा आप एक काम करें, जल्दी से फ्रेश हो जाएं, फिर हमें मार्केट भी तो जाना है। आज नहीं कल चलते। अरे क्यों? नहीं कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों? अरसाम और राबिया की शादी सिर्फ 2-3 दिन के लिए हुई है क्या? मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगेगा। तुम हो आओ, मैं थका हूँ। एक तो इनके रस्म और रिवाज भी पूरे करो और फिर बातें भी सुनो। दुनिया ठीक कहती है, औरत को कभी भी सच्ची खुशी नसीब होती नहीं। ऐसा क्या कह दिया मैंने? कहा तो कुछ नहीं, लेकिन आपको समझना तो चाहिए ना। असल बात तो तब है जब मुझे कहने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे माफ कर दो फायजा। अच्छा ठीक है, आप भी बस कर जाएं, अब ज्यादा डायलॉग मत मारें। मैं चली जाऊंगी अकेली। खाना लगा दें बेगम साहिबा? हाँ लगा दो, और राबिया और शाम को भी बुला लो, मगर वो तो शायद अपने कमरे में पड़ रहे होंगे बेचारे। लेकिन वो तो घर पे नहीं है। क्या, कहाँ कहाँ गए? राबिया बीबी के घर पे गए होंगे शायद। अच्छा ठीक है तुम जाओ।
थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? इसलिए इतना कुछ होने के बावजूद तुमने इस घर को इतनी खूबसूरती से जो संभाला है, बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बहुत गलतियां करता रहता हूँ। तुम भी कहती होगी ना कि अरहाम बार बार वही बात लेके बैठ जाता है, पर मैं क्या करूं, जितनी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। मुझे इन सब की नहीं, सिर्फ आपके साथ की और आपकी मोहब्बत की जरूरत है। ना जाने सना को किस बात का गम था, पर आज वो असल जिंदगी की तरफ लौट आई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं अरहाम, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ तो खाला की दुआओं का नतीजा है। मैं तो सिर्फ इस घर की बहू होने के नाते कोशिश करती हूँ कि वो सब करूँ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करती। बल्कि मुझे तो अक्सर अफसोस होता है अपनी उन गलतियों पे जो मुझसे सरजद हो जाती, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हाँ मैं जानता हूँ कि हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन तुम परफेक्ट वाइफ जरूर। इतनी देर लगा दी? हम राबिया की अम्मी के घर गए थे। क्यों? अच्छा, राबिया की अम्मी के घर गए थे, मुझसे पूछना तो दूर की बात, मुझे बताया भी नहीं तुमने। मुमानी ये आप क्या कह रही हैं? मैंने खुद आपसे पूछा था जब मैं आपके पास आई थी। क्या मुझसे पूछने आई थी तुम? तुम मुझसे पूछने कब आई थी? मैं आपसे यही तो पूछने आई थी और आपने मुझे खुद इजाजत दी थी। तुम्हारा दिमाग तो सही है, उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन मुमानी मैं मेरे आगे ये ड्रामेबाजी बंद करो। एक तो मुझसे पूछा नहीं, ऊपर से मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम मैं आपके सामने गई थी इनसे पूछने। हाँ अम्मी, राबिया आपके पास मेरे सामने ही आई थी। आई थी लेकिन मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी, इजाजत लेने नहीं आई थी ये। हो सकता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई हो। तुम मुझे झुठला रहे हो, गलत कह रहे हो मुझे। नहीं अम्मी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि गलत फहमी से मसाइल पैदा होते हैं और कुछ नहीं। और ये गलत फहमी और मसाइल ये लड़की पैदा कर रही है। सॉरी राबिया, जरूर कोई गलत फहमी हुई, वरना तुम्हें भी पता है कि अम्मी कभी ऐसा ना कहती। जानती हूँ, मेरी तरफ से ही हुई होगी कोई गलत फहमी भी। नहीं राबिया, मैं ये नहीं कह रहा। हो सकता है कि बातों बातों में अम्मी का ध्यान ना हो, इसीलिए इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। नहीं राबिया, ऐसी बात नहीं है, प्लीज तुम ऐसा मत सोचो। मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, मुझे पहले ही पता होना था मेरे साथ भी इस घर में वही सलूक होगा जो फायजा के साथ होता आया है। कोई बात नहीं, मुमानी हमारी बड़ी है, वो कुछ भी कह सकती है, मैं बर्दाश्त कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आराम से बात करूंगा। हो सकता है शायद किसी परेशानी की वजह से भूल गई। वो भूल गई होंगी, मैं तो नहीं भूली। मैं ही तुम्हें बार बार बोल रही थी घर चलने के लिए, मुझ पर ही आफत टूट पड़ी। मैं तो बस ये चाहती थी कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, और कहानी ही पलट गई। खाना खाने चलते, अब भूल जाओ सब। अरसाम ये सब इतना आसान नहीं है, पहले ही इस घर में मेरे साथ
खैर छोड़ो, तुम जाओ खाना खाने, मैं कुछ देर डिप्रेशन में बैठूंगी फिर ठीक हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाऊंगी। वैसे तुमने भी सोचा होगा कितनी घटिया है, एक भाई नहीं मिला तो दूसरे भाई के पीछे पड़ गई ताकि मैं तुम्हारे सामने रह सकूं और तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकूं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की। जो कहना है साफ साफ कहो फायजा। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस घर में मेरी भी इज्जत हो। अगर राबिया का कसूर है तो राबिया से खुद बात करें, मैंने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली हुई। जिम्मेदारी नहीं ली तो क्या तुम उसे समझा भी नहीं सकती हो? अच्छा, कभी मुनाहिल को समझाने का तो नहीं कहा आपने, बल्कि उसके सामने तो मुझे बेइज्जत करके रख देती है क्योंकि वो आपकी बहन की बेटी है। जब सूखी लकड़ी।